नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी ने दिल्ली में किया है, लेकिन राजद, जदयू, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जो हैं उन्होंने इस उद्घाटन समारोह का जो है बहिष्कार किया है। पटना में भी जेडीयू की तरफ से धरना प्रदर्शन और उपवास का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। देखिए, इस वक्त हम पटना हाई कोर्ट के आगे अम्बेडकर प्रतिमा के पास हैं। यहीं पर जो है जेडीयू की तरफ से एक दिन का उपवास कार्यक्रम रखा गया है। अभी यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं जो इस जो कार्यक्रम है उसको संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। ललन सिंह लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि राष्ट्रपति जो हैं वो संविधान की संरक्षक हैं, उनके द्वारा जो है नए संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए था, लेकिन पीएम ने खुद किया, ये राष्ट्रपति का अपमान है, देश की जनता देख रही है, अगले साल जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें जनता जो है बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। तो ललन सिंह लगातार अपने संबोधन में जो है केंद्र सरकार और पीएम पर निशाना साध रहे हैं कि आपने क्यों खुद से उद्घाटन किया नए संसद भवन का, राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराया। यहाँ पर धरना प्रदर्शन और उपवास कार्यक्रम जो है जेडीयू की तरफ से रखा गया है। एक दिन के उपवास का कार्यक्रम रखे थे, विरोध किया गया कि राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं कराया, इस बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अपमान, ये उनको दलित होना, आदिवासी महिला होना, जिसका सजा दिया गया, किसी भी सत्र को, संसद सत्र को जो है बुलाने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति को होता है, और संसद भवन का, नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, ये उनका अपमान, दलितों का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं किया। और हम लोगों ने यहाँ जो हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर साहब, उनके प्रतिमा के सामने हम लोग ने अनशन कार्यक्रम रखा। उमेश जी, हरिवंश उपसभापति हैं राज्यसभा के, वहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ रहे हैं, पीएम का स्वागत कर रहे हैं, तो बीजेपी सवाल उठा। अरे आप लोग जानते ही हैं कि अभी उनकी क्या गतिविधि है, उन पर बहुत कुछ ज्यादा नोटिस लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, समझे। इसके लिए आप लोग कहा है उनकी कुछ दिन से क्या उनकी गतिविधि है सब लोग जान रहे हैं, तो पार्टी की गतिविधि आप जान रहे हैं कि किस पार्टी जो है आज विरोध में, जो जो नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ, इस समारोह का विरोध किया, ये आम बात नहीं, साधारण बात नहीं, असाधारण बात नहीं, इसको देखिए, इसको गंभीरता से। सर, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का जदयू ने बहिष्कार किया, उन लोग का कहना है राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराया जाए, लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का भाषण जो है अभी कार्यक्रम में पढ़े हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जो जदयू के सांसद हैं, कार्यक्रम में पीएम को रिसीव करने गए, कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हरिवंश जो है हिस्सा ले रहे हैं, वो राज्यसभा के उपसभापति हैं। इधर पटना में जेडीयू की तरफ से उपवास कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, क्या चल रहा है? जदयू दबाव में है, दिखावे के लिए वो विरोध कर रही है, लेकिन सांसदों को जाने से मना किया है, लेकिन वहां उनके सांसद जो उपसभापति हैं हरिवंश जी, वो उसमें भाग ले रहे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का संदेश भी वह पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है जदयू की ये दोहरी नीति है, चरित्र कुछ और है और दिखाना कुछ और है। मुझे लगता है कि बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर राजद के दबाव के कारण जदयू अपने आप को उसमें शरीक होने से रोक रहा है। Oh, oh, oh.